नमस्कार भाई लोग, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करने वाले मनोज भैया के जीवन के बारे में। इनका कैसे संघर्षफुल रहा और कैसे सक्सेसफुल रहे हैं YouTube पे, आज हम आप लोगों को बताएंगे। और कैसे मनोज भैया इतना आगे बढ़े, कैसे नहीं बढ़े, सब हम आपको बताएंगे कि मनोज भैया पहले कितने गरीब थे। अभी इस समय आप लोग देख सकते हैं मनोज भैया के पास क्या क्या चीज़ नहीं है। उनके पास हर एक चीज़ है, अगर वो चाहें तो क्या नहीं खरीद सकते हैं। तो मनोज भैया लिखे थे, यूट्यूबर बनना इतना आसान नहीं है। सही बात है भाई, यूट्यूबर बनना इतना आसान नहीं, क्योंकि हमको पता है संघर्ष ये जीवन है। संघर्ष करते रहो लेकिन एक दिन कामयाब हो जाओगे, जैसे मनोज भैया आज कामयाब हो चुके हैं। अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, जो है कि पता होगा कि ये इनको कौन नहीं जानता आजकल के ज़माने में। इनका पुराना घर देखिए यहाँ पे इस तरीके से, और नया घर इस तरीके से। ये काफ़ी संघर्षफुल इनका जीवन रह चुका है और इतना से इतने आगे बढ़े हैं। इनके फैमिली की बात करें तो देख लीजिए, इनके फैमिली यही है। और ये फ़ोटो शूट के काफ़ी अच्छे दीवाने हैं। और इनकी बात करें तो ये झारखंड के रहने वाले हैं और झारखंड में इनका घर था। और इनका जन्म 12 जुलाई 1997 को हुआ था। और इनकी पढ़ाई की बात करें तो ये सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। इनका चैनल की बात करें तो 2017 में बनाए थे। इनकी चैनल पर अभी लगभग 30,50,000 सब्सक्राइबर हैं। और इनके वीडियो है लगभग 12 के वीडियो है। और मनोज भैया की इनकम की बात करें तो लगभग आशा करते हैं कि ये अच्छा खासा कमा लेते हैं। और ये काफ़ी अच्छा खासा कमा लेते हैं क्योंकि लैपटॉप भी ले चुके हैं, देख ले सकते हैं आईफोन के। और ये डॉग के काफ़ी एनिमल्स के शौकीन हैं, थोड़ा सा समझ सकते हैं इनके भी शौकीन हैं। और काफ़ी अच्छे हैं मनोज भैया, क्योंकि ये सबके मदद भी करते हैं। आप लोग देखते होंगे वीडियो में, काफ़ी लोगों का मदद भी करते हैं मनोज भैया। दिल खुश आदमी हैं और काफ़ी अच्छे आदमी हैं, हमको तो बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग को कैसे लगते हैं भाई, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ऐसे जो है कि जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मैं जो भी जानकारी डालूँगा तुरंत आप तक पहुँच जाए। मैं ऐसे ही जानकारी बताता रहता हूँ सबके, क्या क्या बात है, क्या क्या बात नहीं है। मैं सारे लोगों का, यूट्यूबर लोगों का बातें बताता हूँ। और ये देख सकते हैं इसमें मनोज भैया कौन है, चीन के बताइए भाई, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये ज़रूर ना भूलिएगा, यूट्यूबर बनना इतना आसान नहीं है भाई। और मनोज भैया तो हीरो है हमारे, आप लोगों को तो पता ही होगा। जान लीजिए भाई, संघर्ष ही जीवन है, क्योंकि संघर्ष करते रहिए, क्योंकि मनोज भैया भी संघर्ष किए थे। ये पहले जो है कि गिटार का चैनल खोले थे, गिटार जो बजाते थे उस पर 2-6 महीना काम किए थे। उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था, देखिए गिटार का भी फैन है ये, काफ़ी अच्छा म्यूजिक भी बजा लेते हैं भैया। मैं अगर चाहूँ तो ज़रूर आपसे एक बार कंपटीशन करूँगा, क्योंकि गिटार मुझे भी बजाना अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद मनोज भैया जो है कि फिर एक चैनल खोले, जिसका कॉमेडी का चैनल था, जो गांव में मिल जुल के बनाए थे, वो भी जो है कि नहीं उठा। और उसके बाद फिर मनोज भैया सोचते रहते कि मैं अब नहीं कर पाऊँगा, मेरे बस का नहीं है यूट्यूब। उसके बाद वो मनोज भैया फिर छोड़ दिए कुछ दिनों के बाद यूट्यूब। फिर सोचे कि क्या करें, फ्री काम, फ्री का जियो का नेट था उस समय, इसलिए मनोज भैया फिर सोचें कि चलो करते हैं। फिर वो टेक का चैनल खोले, जिसका नाम मनोज दे था। उसके बाद उन्होंने उस पर काम किया और उसके बाद वो सक्सेसफुल यूट्यूबर बन गए। और उसके बाद आप लोग को पता ही होगा मनोज भैया फिर इस समय आप सेलिब्रिटी से कोई कम नहीं है, क्योंकि इनको सब जानता है भाई। और ये कहीं भी जाते हैं तो इनके फैंस तो है ही, हम तो भाई पहले से इनके फैंस हैं। इसलिए मेरा पहला वीडियो है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्यार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। क्योंकि मैं भाई जितने भी पॉपुलर यूट्यूबर हैं उनके जीवन के बारे में मैं बताता हूँ। अगर आप लोग को इंटरेस्ट लगेगा तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।